हेलो फ्रेंड्स सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि न्यूमेरिकल ऑन बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास इन सेम प्लेन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल ऑन बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास एट डिफरेंट प्लेन अगर मासेस अलग अलग प्लेन में हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे सो ए बी सी डी आर फोर मासिस कैरीड बाई अ रोटेटिंग क्रैंक शाफ्ट एट रेडिया हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड एंड वन फिफ्टी एम एम रिस्पेक्टिवली सो हम जैसे ही क्वेश्चन रीड करेंगे तुरंत हम गीवन डेटा भी लिखेंगे उसके साथ सो so, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी रहेगा सो आर ए इज इक्वल टू हंड्रेड एम एम आर बी इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव आर सी इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड एंड आर डी इज इक्व टू वन फिफ्टी उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एज इट इज फिर फिर हमें दिया है कि मास ऑफ बी सी डी आर टेन के जी फाइव के जी एंड फोर के जी रिस्पेक्टिवली तो एम सी एम डी और एम बी दिया हुआ है टेन के जी फाइव के जी और फोर के जी फिर हमें फ़ाइंड क्या करना है एम ए और एम ए फाइंड करना है फाइंड द रिक्वायर्ड मास एंड रिलेटिव एंगुलर सेटिंग ऑफ फोर मास सो दैट द शाफ्ट विल बी इन कम्प्लीट बैलेंस ओके फ्रेंड्स सो हम सॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एज्यूमिंग प्लेन ए टू बी अ रेफरेंस प्लेन एंड विल ड्रॉ द टेबल सो प्लेन दिया हुआ है ड्रॉ ए टेबल मतलब अगर हमें डिफरेंट मास दिया हो डिफरेंट प्लेन्स में तो हमें इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सो गाइस उसके फर्स्ट कॉलम में आएगा टोटल सिक्स कॉलम्स बनेंगे फर्स्ट में आएगा प्लेन सेकेंड में मास थर्ड में रेडियस फोर्थ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिफ्थ में डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एंड लास्ट इज कपल तो ए बी सी डी जैसे हमें दिया हुआ है हम प्लेन वैसे उसी तरीके से प्लेन की नेमिंग कर देंगे फिर आएगा मास मास में एम ए मास ए की एक का मास हमें नहीं दिया हुआ है तो एम ए आएगा फिर टेन फाइव फोर फिर रेडियस पॉइंट वन पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट टू पॉइंट वन फाइव ये बहुत इजी है टेबल बनाना दोस्तों अगर आप टेबल बना लेंगे तो आप न्यूमेरिकल को आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो ये प्लेन मास और रेडियस ये तीनों क्वेश्चन में गिवन है तो इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना सिर्फ वैल्यूज पुट अप कर देनी है देन नेक्स्ट कम फोर्थ कॉलम दैट इज सेंट्रीप्यूगल फोर्स सेंट्रीप्यूगल फोर्स में क्या करना है दोस्तों के मास और रेडियस दोनों को मल्टीप्लाई करना है सो पॉइंट वन इंटू एम ए पॉइंट वन एम ए सिमिलरली टेन इंटू पॉइंट वन टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव फाइव इंटू पॉइंट टू विल बी वन एंड फोर इंटू पॉइंट वन फाइव विल बी पॉइंट सिक्स सॉरी गैस यहाँ पे एम नहीं आएगा देन डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन मतलब ए को हमने रेफरेंस प्लेन कंसिडर किया है तो ए से डिस्टेंस कितना है सो so ए से ए तक का डिस्टेंस लेना है तो ज़ीरो आएगा ए से बी तक का डिस्टेंस आएगा तो पॉइंट सिक्स मीटर आएगा ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए तो वन पॉइंट टू मीटर आएगा और ए से डी तक का डिस्टेंस चाहिए तो एटीन हंड्रेड एम आएगा दैट वुड बी वन पॉइंट एट मीटर फिर आता है कपल कपल भी बहुत इजी है फ्रेंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम आरपी करेंगे तो हमें कपल मिल जाएगा तो पॉइंट वन एम एज इंटू जीरो जीरो एट ये तो दिस डायग्राम वुड बी वेरी सिंपल का सबसे पहले हमें डायग्राम यही वाला डायग्राम ड्रॉ करना है दैट इज ए बी सी डी ऑल आर सिक्स हंड्रेड एम एम अपार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में मतलब सारे प्लेन एक दूसरे से सिक्स हंड्रेड एमएम की दूरी पे है ए से बी सिक्स हंड्रेड पर है बी से सी सिक्स हंड्रेड पर है एंड सी से डी सिक्स हंड्रेड पर है सो so, हमें क्वेश्चन में डेटा देख के पहले ये टेबल बना देना है फ्रेंड्स फिर हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कम्स कपल पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन अब कपल पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे सो so, फ्रेंड्स हमें दो पॉलीगॉन बनाने होते एक तो आएगा फोर्स पॉलीगन एक आएगा कपल पॉलीगन ये दो हमें ड्रॉ करना पड़ता है टू सॉल्व द क्वेश्चन बट हम कपल पॉलीगन पहले ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक भी एक भी अननोन नहीं है सारे नोन हैं सो हम पहले ड्रॉ करेंगे कपल पॉलीगन क्योंकि इजीली ड्रा हो जाएगा उसमें सारे वैल्यूज हमें पता है और इसमें हमें एम ए नहीं पता सो so हम इजीली कपल पॉलीगन ड्रॉ कर पाएंगे सो so गाइज पहले हम कपल पॉलीगन बनाएंगे तो क्वेश्चन में जैसे जैसे हमने टेबल में जैसे हमने टेबल में फाइंड किया हुआ है कि कपल ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली ये चारों वैल्यूज हमें मिल गई ये चारों को हम प्लॉट करेंगे सो so फ्रेंड्स कैसे प्लॉट करेंगे दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन तो ये पहले हमने हॉरिजॉन्टल और इसमें कुछ एंगल भी नहीं दिया हुआ है कि मासिस कितने एंगल के कौन से एंगल पे है सो so, दिस वुड बी पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सेवन फाइव जो है पॉइंट सेवन फाइव हमें जो वैल्यू मिली थी पॉइंट सेवन फाइव ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे फिर हमें वन पॉइंट टू और वन पॉइंट जीरो एट ये दो वैल्यूज हमें दी गई हैं लेकिन वो कौन से एंगल पे है वो नहीं पता हमें सो so, हम क्या करेंगे एक वन पॉइंट टू का यहाँ यहाँ से वन पॉइंट टू का एक आर्क लेंगे और यहाँ इस वाले पॉइंट से 1.08 का एक आर्क लेंगे दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वो उस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे नीचे वाले लाइन से सो हमारा ये मिल जाएगा ओ डैश बी डैश सी डैश पॉइंट सो यहाँ पे इस वाले फिगर से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से अगर हम एंगल फाइंड करें तो हमें मिलेगा बी ओ सी बी ओ सी एंगल मिलेगा ये बी ओ सी एंगल जो हमें मिलेगा ये हम अगर मेज़र करेंगे तो वो होगा टू हंड्रेड हंड्रेड डिग्री सॉरी हंड्रेड डिग्री होगा और सॉरी ये वाला हंड्रेड डिग्री होगा और यहाँ से मेजर करेंगे तो टू फोर्टी डिग्री होगा टू फोर्टी डिग्री नहीं मिलेगा मेनली बेसिकली हमें यहाँ से सिक्सटी डिग्री मिलेगा सिक्सटी डिग्री को हम वन एटी के साथ ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा टू फोर्टी डिग्री जो एंगल है बी ओ सी बी ओ सी एंगल टू फोर्टी है बी ओ सी एंगल टू फोर्टी है, है और बी ओ डी हंड्रेड डिग्री है तो उसी हिसाब से जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिली है एंगल की इस हिसाब से हम स्पेस डायग्राम बना लेंगे तो जो 125 ट्वेंटी mm फाइव जो रेडियस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बना देंगे उससे 100 डिग्री पे उससे 100 डिग्री पे क्या दिया हुआ है डी पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ से 200 डिग्री पे सॉरी 100 डिग्री पे 150 फिफ्टी mm एम वाला मास आ जाएगा जो है डी फिर हम मास सी प्लॉट करेंगे यहाँ से 200 के पॉइंट पे और ये है मास एम ए जो हम लास्ट में प्लॉट करेंगे जो हम अभी बना नहीं सकते क्योंकि हमें वो फाइंड करना है मास ऑफ ए फाइंड करना है और फिर उसको हम ये फिगर पे प्लॉट करेंगे सो हमारा यहाँ पे कपल पॉलीगॉन बन गया और स्पेस डायग्राम बन गया स्पेस डायग्राम में ये एम ए वाला पोर्शन जो है वो रिमेनिंग रहेगा उसको हम लास्ट में फाइंड करेंगे ठीक है फ्रेंड्स सो so, हमने यहाँ पे क्या किया कपल पॉलीगोन बना लिया उसके एंग उससे एंगल फाइंड कर लिया और एंगल के थ्रू हमने स्पेस डायग्राम बना लिया देन कम्स के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कपल पॉलीगोन हमने बना लिया सो so, फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि फोर्स पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं तो फोर्स पॉलीगोन में ओ जो वन दिया हुआ है उससे उसे 60 डिग्री की लाइन बनाएंगे फिर यहाँ से 100 डिग्री लेंगे फिर इस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे जिससे हमें वैल्यू मिलेगी ये वाली वैल्यू जो होगी पॉइंट वन एम ए और जो हमने मेज़र किया है वैल्यू पॉइंट सेवन फाइव सो एम ए इज इक्वल्स टू सेवन पॉइंट फाइव के जी फिर क्या करना है फिर हमें वो स्पेस डाइग्राम में जाना है जो हमने बाकी रखा था क्योंकि हमारे पास एम ए की वैल्यू नहीं थी सो so, वो वो हम कंप्लीट कैसे करेंगे सो गाइज ओ डी जो है उससे पैरल लाइन लेना है जिसको जिसके लिए आपको रूलर स्केल की स्केल का यूज़ करना पड़ेगा ओ डी जो लाइन है इसके पैरल लाइन यानी सिमिलर लाइन यहाँ पे इस वाले से हमें इस में ड्रॉ करना है जो होगा एम ए सो एम ए वाली लाइन हम इसके पैरल ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से सो so, इसके पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे हमें तो एम ए हमें इधर मिलेगा फिर हम क्या करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे हम मेज़र करेंगे कि ये कौन से डिग्री पे आ रहा है क्योंकि हमें दो वेल चीज़ पूछी हुई है क्वेश्चन में वन इज एम ए एंड द नेक्स्ट इज एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन सो हमें एम ए तो मिल चुका है देन हम फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करके फिर इसको स्पेस डाइग्राम में कन्वर्ट करके फिर हम मेज़र करेंगे तो हमें मिलेगा आ, हमें हमने जो अभी स्पेस डायग्राम में स्पेस डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से हम मेज़र करेंगे तो वो मिलेगा 155 डिग्री सो हमें दोनों आंसर मिल गए एम ए इक्वल टू सेवन पॉइंट के जी और एंगल इज इक्व टू वन फिफ्टी के जी सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा सो so, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहे थैंक यू सो मच